केमिस्ट्री क्लास। आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा इसके अंदर मृदा परिच्छेदी का। मृदा परिच्छेदी पीछे वाले वीडियो में अपने देखा है मृदा के जो मुख्य अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आज अपन बात करने वाले मृदा परिच्छेदी का होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर मृदा परिच्छेदी का अपन समझने से पहले पड़ेंगे मृदा की साइंस तक सबक को समझना होगा। मृदा का स्तर जो होता है किस टाइप से काम करते हैं, ये आज मिट्टी देख रहे हैं ये मिट्टी में एक ही परत नहीं होती है, बहुत सारी परतें होती हैं और प्रत्येक जो परत होता है उसको स्तर बोला जाता है स्टेप से। ये वाला ये मिट्टी जो होती है उसमें स्टेप से लेवल्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला स्तर है या उसके अंदर वाले हैं या उसके अंदर वाला उसके अंदर वाला उसके अंदर वाला, ये अपने पास में क्या सह स्तर क्या कहलाते हैं, मृदा के सह स्तर कहलाते हैं। इसमें कितने प्रकार के सह स्तर अपने पास में पाए जाते हैं उनके ऊपर मैं पर बातें करने वाले हैं। मुख्य रूप से अगर तुम देखें इसके अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं मृदा का अध्ययन करने के लिए। ये सबसे बाहरी जो भाग होता है ये वाला स्तर, इसके अंदर बात करें तो ये बाहरी क्षेत्र है मिट्टी का, ये सबसे बाहरी परत है। ये वाली जो परत है इसको बोलते हैं ओ स्तर। कौन सा बोलते हैं इसको ओ स्तर बोला जाता है, ये होता है ओ सह स्तर बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरे वाला इसका भाग है वो है ए। कौन सा कहलाएगा, ए स्तर भाग कहलाता है। और उसके बाद अपने पास में है एक बी वाला कहलाता है, उसके बाद में एक ई है और उसके बाद में आता है सी स्तर। मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो मृदा परिच्छेदी का जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं पांच, कितने होते हैं पांच सह स्तर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उनमें भी उप स्तर होते हैं, क्या पाए जाते हैं उनके अंदर भी उप स्तर पाए जाते हैं। मिट्टी की जो एक परत है स्टेप से एक मिट्टी की परत है, उसके नीचे दूसरी परत, उसके नीचे तीसरी परत, उसके नीचे चौथी परत, उसके नीचे पांचवी परत, ऐसे परत दर परत रूप से पाई जाती है मिट्टी। प्रत्येक जो स्तर है स्टेप से अपने पास एक डायग्राम बन रहे हैं स्तरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं मृदा प्रोफाइल, क्या बोलते हैं मृदा प्रोफाइल बोला जाता है, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो मृदा परिच्छेदिका की क्या हमारे पास मिट्टी के अंदर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के स्तरों का जो निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी के स्तर हैं उनका जो अपने पास एक संरचना बनती है, परत दर परत जो संरचना बनती है उस परत दर परत संरचना को ही क्या बोला जाता है मृदा परिच्छेदिका बोला जाता है। ओके चलो स्टूडेंट्स परिभाषा क्लियर हुई। अपन बात करते हैं कि मृदा परिच्छेदिका के अंदर जो पांच स्तर पाए जाते हैं कितने होते हैं पांच सह स्तर पाए जाते हैं। इन पांच सह स्तरों में कौन से वाला स्तर होता है, कौन से लेवल में पाया जाता है, कहाँ होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहला अपने पास में ओ, कौन सा वाला है ओ सह स्तर होता है, ये आपके पास में ओ लेवल होता है, ओ वाली परत होती है सबसे ऊपर वाली टॉप वाली जो परत होती है उस परत को क्या बोलते हैं ओ स्तर कहा जाता है। ऊपरी सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, ये जो अपने पास में पार्ट है यही पार्ट ओ वाला ये सबसे उपजाऊ होता है। क्या होता है उपजाऊ, जो फसल वगैरह होती है उनके लिए सबसे उपयोगी पार्ट कौन सा ओ सह स्तर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं उपजाऊ क्षेत्र, क्या बोला जाता है उसको उपजाऊ स्तर भी बोला जाता है। इसका नॉर्मल अगर नाम करें ओ वाला जो स्तर होता है उसको उपजाऊ स्तर भी कहा जाता है। ये अपने पास में कौन से स्तर है उपजाऊ स्तर होता है। ऊपरी जिसको अपन ऊपरी स्तर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ऊपरी सह स्तर भी या उपजाऊ सह स्तर भी इसको कहा जाता है। और इसी के अंदर अगर बात करें स्टूडेंट तो इसी मिट्टी के अंदर फसलें होती हैं और सबसे भी पाई जाती है खनिज पदार्थ वगैरह जो होते हैं वो भी मिट्टी के ऊपर वाले भाग में अपने यहाँ पर कुछ मिल सकते हैं। मृदा के वायव्य भाग जो मिट्टी के अंदर वायु होती है वहाँ भी ये जल स्त्री भाग और वायु मृदा स्त्री भाग होते हैं वो इसी के अंदर पाया जाता है। कौन से भी वो स्तर के अंदर पाया जाता है, ये वो स्तर होता है ये सबसे अधिक उपयोगी होता है क्योंकि फसल इसी के अंदर उगाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं जल क्षेत्र बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर अपने पास में दूसरा स्तर है वो कौन सा स्तर है, वो है ए स्तर। कौन सा कहलाता है ए सह स्तर कहलाता है। और ए जो सह स्तर होता है स्टूडेंट्स ए सह स्तर को भी दो भागों में बांटा गया है, उसके ए वन भाग और उसका दूसरा भाग होता है ए टू। ठीक है कौन सा कहलाता है ए टू भाग कहलाता है। इस वाले में दो परतें होती हैं
वाले भाग को छोटे छोटे दो भागों में डिवाइडेशन स्टेप से किया गया है। ये दो भागों में इस प्रकार से डिवाइड है। ए वाला जो स्तर होता है, इस वाले भाग के अंदर खनिज पदार्थ क्या पाए जाते हैं? खनिज जो पदार्थ है यानी पोषक पदार्थ क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? पोषक क्या पाए जाते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, पोषक जो पदार्थ होते हैं यानी पोषक जो तत्व होते हैं। पोषक तत्व कौन से होते हैं? खनिज पदार्थ। तो इसको वाले भाग को अपन खनिजी भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खनिजी भाग भी बोला जाता है, क्योंकि इस वाले स्तर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो लगभग 25% अपन ने पढ़ा था, इसी भाग के अंदर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें ए वाले स्तर के अंदर जो छोटे उपस्तरों में डिवाइड होता है, A1 जिसको क्या बोलते हैं? उपस्तर। क्या बोला जाता है? उपस्तर बोला जाता है। ये भी है और ये स्तर भी पाए जाते हैं। उसके बाद अपने पास में तीसरा जो स्तर है वो स्तर कौन से वाला होता है? बी। कौन से स्तर बोला जाता है उसको? बी सैन स्तर। क्या होता है? देखिए आप, बी सैन स्तर होता है वो थोड़ा और गहराई के अंदर चला गया है। और गहराई के अंदर जाने का मतलब है इस भाग के अंदर क्या मिलेगा? बोले जल संग्रह की क्षमता जो होती है इस भाग में पाई जाती है। किसके अंदर? इस वाले भाग के अंदर जल संग्रहण की कैपेसिटी होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, गहराई की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे CO2 की मात्रा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? CO2 की मात्रा यहाँ पर बढ़ रही है। अब तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, प्लांट को CO2 चाहिए? नहीं, इनको नाइट्रोजन चाहिए। क्या है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण करना आना चाहिए। इसका नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला नाइट्रोजन वाला जो भाग है वो अपने जब कहाँ मिलेगा? बी वाले पार्ट के अंदर हमको मिलने वाला है। बी स्तर जो होता है बी सबसे ज्यादा कम्फर्ट स्तर है। यहाँ पर नाइट्रोजन पदार्थ सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाइट्रोजन स्तर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजनी स्तर भी बोला जाता है। उनसे वाले को बी वाले पार्ट को गैस स्तर भी कहा जाता है। ओके, बात करते हैं अपना चौथा वाला अपने पास में स्तर है वो स्तर कौन सा है भाई? चौथे वाले भाग में वो अपने पास में ई स्तर कौन सा है? ई सै स्तर होता है। अब आप देखिए ई सै स्तर जो होता है ये वाला, ई सै स्तर जो होता है जस्ट नीचे वाले भाग से इसका मतलब है इस वाले भाग के अंदर क्या होगा? कठोर पदार्थ ज्यादा पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? हमारे कठोर पदार्थ अधिक मात्रा में यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जाने का इसका दबाव बनेगा मिट्टी के अंदर। ये वाला जो होता है ठोस अवस्था के अंदर पाया जाता है। कौन सा भाग? ई वाला जो भाग होता है ठोस अवस्था के अंदर अधिक होता है। यहाँ पर जो अपने पास में है वो मृदा जल है, मृदा वायु है, ये मिश्रित रूप से यहाँ पर पाई जाती है। इसका मतलब है ए वाला जो स्तर होता है, ए वाले स्तर की अगर बात करें तो ए वाले स्तर में और जो बी वाले स्तर के अंदर जो पदार्थ होते हैं इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता है वो कौन से स्तर में पाया जाता है? ई वाले स्तर के अंदर पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट वाला। ये वाला स्तर कौन सा कहलाता है? सी स्तर। कौन सा स्तर कहलाता है? सी स्तर कहलाता है। और सी स्तर जो होता है अपने स्टूडेंट्स ये वाला स्तर बोलते हैं चट्टान। क्या कहलाते हैं? चट्टान स्तर। क्या बोला जाता है इसको? चट्टान स्तर बोला जाता है। इसी चित्र के अंदर स्टूडेंट्स चट्टानी बनती है। क्या बनती है? इसके अंदर चट्टान का निर्माण होता है। कौन से स्तर में? मिट्टी के सी वाले स्तर में जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको चट्टान स्तर भी बोला जाता है। और इसी वाले भाग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब चट्टानें जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, उनकी बातें अपन आगे करने वाले हैं। ये अपना देखो कि मृदा परिषद का जो आर्य जो अपन ने बना है ये पूरा अपना जो स्केलेटन यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ये सारा जो स्केलेटन है मुख्य रूप से अपन देखें इसमें जो सही स्तर बने हुए हैं, सारे के सारे जो सही स्तर अपने पास में हैं इनको लेवल्स की अगर बात करें, फर्स्ट लेवल, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एक ढांचा से अपने पास जो बना हुआ है मिट्टी के नीचे की तरफ अपन जा रहे हैं। तो ये स्तर ऊपर बड़ा लेवल है, फिर नीचे बड़ा लेवल है, उससे नीचे बड़ा लेवल है, उससे नीचे बड़ा लेवल है। तो ये लेवल है, ऊपर बड़ा लेवल क्या कहना है? उसके नीचे वाले का नाम, उससे नीचे वाले का, उसके नीचे वाले का, उसके नीचे वाले का, ऐसे पाँच स्तर मोस्टली माने हैं। प्रत्येक स्तर के अपने अपने विशेषताएँ हैं। फर्स्ट वाला है जो है, सेकंड वाला जो अपने पास में है उसमें क्या पाया जा रहा है? पोषक तत्व कहाँ मिलते हैं? कार्बनिक पदार्थ है वो कहाँ पर मिल रहे हैं? ए वाले स्तर में मिल रहे हैं। बी वाले स्तर के अंदर है मृदा वायु वगैरह वो अपने को मिल रही है। सी वाला जो स्तर आपके पास में है इसके अंदर है ठोस पदार्थ मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दबाव अधिक होता है, दाब अधिक होगा, दाब नीचे की तरफ जाओगे तो ज्यादा होगा, तो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी ठोस पदार्थ चट्टान है। और चट्टान का निर्माण होता है कौन से स्तर में होता है? सी स्तर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? चट्टान स्तर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चट्टान स्तर भी बोला जाता है। और सी स्तर का ही दूसरा नाम होता है रोक। रोक का मतलब होता है चट्टान। क्या होता है? रोक। रोक यानी क्या होता है? चट्टान।
पत्थर वगैरह जो होते हैं चट्टान जो होती हैं वो रोग इसको आस्तरवी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? आर स्तरवी कहा जाता है, रोग यानी चट्टान स्तरवी इसको बोला जाता है। ये मोस्टली अपने देखा ये सभी स्तर मिलकर ये सारे स्तर मिलने के बाद क्या कहलाते हैं? मृदा प्रोफाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? ये मृदा प्रोफाइल। जैसे हमारी फाइल बन जाती है सभी डॉक्यूमेंट को लगाने के बाद 10वीं 11वीं सब हमारे शीट लगा देते हैं, प्रोफाइल बन जाती है अपने पास में। वैसे ही मिट्टी के सभी स्तरों को अपन मिला दें तो क्या बन जाएगा? प्रोफाइल। किसकी? मिट्टी की प्रोफाइल बन गई। तो अपन बोलते हैं किस मिट्टी की प्रोफाइल ऐसी है, इस मिट्टी की प्रोफाइल ऐसी है, इसका मतलब क्या? मिट्टी के लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेवल्स इसमें पाए जाते हैं। बनने वाला अपने पास आरेख होते हैं उसे मृदा परिच्छेदी का आरेख। क्या बोलते हैं इसको? मृदा परिच्छेदी का आरेख कहा जाता है, जिसे सह स्तर आरेख भी कहते हैं, यानी सह स्तर आरेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अपन ने इसमें देखा है आज मृदा परिच्छेदी का या मृदा प्रोफाइल क्या होता है, कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं, कौन से वाले स्तर को क्या नाम होता है, और दूसरा उसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, इसके बारे में अपन स्टूडेंट बातें की। ये कहलाता है मृदा परिच्छेदी का आरेख या स्तर आरेख के रहता है। ठीक है, अब अपन आगे जो नेक्स्ट वाली क्लासों में अपन बात करेंगे, अपन एक पॉइंट अपने पास है जो चट्टानें होती हैं नीचे वाले स्तर के अंदर पाई जाती हैं। अब चट्टानें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, और इन चट्टानों का निर्माण होने से इनसे वापस मिट्टी कैसे बनती है, ये सारी बातें अपने नेक्स्ट वाली क्लास में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।